सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फाइनली हम आ गए हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला वीडियो लेके। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ये वाली एक्सरसाइज, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किस तरह किए जाते हैं। सो लास्ट के दोनों वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था टेंसेस किस तरह काम करना है टेंसेस के ऊपर। प्रेपोजिशन का वीडियो मैंने पहले से एक बना के रखा था, उसका लिंक मैंने तुम लोग को दे दिया था, और जॉइन द सेंटेंस हम लोग कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, ये भी हो गया है। और फिर अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो कि इस बार MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा आसान होने वाला है इस बार। तो कैसे इनको अटेम्प्ट करना है, चलो देखते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब होता है सेंटेंस एक फॉर्म में है उसको दूसरे फॉर्म में बदल देना। एक फॉर्म का सेंटेंस तुम्हारे पास है, उसमें वर्ड्स को आगे पीछे करो, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करो और उसको एक दूसरे तरह का बना दो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चेंज करते समय उसका मीनिंग वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। सो यही यहाँ पे बस एक चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। बाकी बहुत से तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, एक सेंटेंस को दूसरे में बनाने के लिए, दूसरे फॉर्म का बनाने के लिए आप कई चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, तो उन्हीं को एक एक करके भी हम देखते हैं। सो सबसे पहला तरीका जो हम देखने वाले हैं वो है टू को चेंज करते हैं सो दैट में। ये एक तरीका होता है, काफी ज्यादा बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, सो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। देखो इसमें क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस में टू एंड टू का यूज किया गया है, सो यहां पे हम उसको सो दैट में इस तरह कुछ कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो ऐसे सेंटेंस है, शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज, मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है इस सेंटेंस का, दैट वो कुछ ज्यादा ही घमंडी है माफी मांगने के लिए। सो इसको अगर हम चेंज करना चाहें सो दैट में, सिंपल बनाना चाहें, तो कैसे कहेंगे, शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट अपोलोजाइज। सो यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है मीनिंग। सो आप इस वाले फॉर्म को टू को चेंज कर सकते हो, टू और टू यहाँ पे है, इसको सो दैट से चेंज कर सकते हो इस तरह, राइट। सो इस तरह ये चेंज होगा। या फिर मान लो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस अगर आपको सो दैट वाला दिया होता, जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। सो यहाँ पे सो वाले सेंटेंस को आप टू में भी चेंज कर सकते हो। सो कैसे, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सो दैट था, हमने उसको चेंज कर दिया टू में, राइट। सो इस तरह चेंजेस हम कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आपको टू से उसको चेंज करना है। अब इस बार तो MCQ आएंगे, तो वहां पे टू और टू को चेंज करके अगर सो दैट में सही से लिखा हुआ है सेंटेंस, तो वहां पे आप उसको करेक्टली आंसर कर सकते हो, राइट। सो ये एक तरीका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एक तरीका होता है एक्टिव पैसिव। ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो बेसिकली वॉइस को चेंज करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेंटेंस है द स्नेक किल्ड द रैट, तो यहाँ पे आप रैट को स्टार्टिंग में ले और रैट को बना दो सब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, द रैट वॉज किल्ड बाय द स्नेक। ये हो गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम बाद वाली चीज को मेन सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, देख लो। जैसे एक्टिव वॉइस में हमने कहा ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ प्राइज वॉज गिवन टू हिम बाय द टीचर। सो यहाँ पे देखो हमने प्राइज को स्टार्टिंग में लिया है, सो अ प्राइज वॉज गिवन टू हिम बाय द टीचर, ये हो गया पैसिव वॉइस। सो एक्टिव पैसिव में भी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं हम, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में दिया होगा, एक चीज को, एक वॉइस को हम दूसरे वाले वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। आई होप क्लियर होगा ये भी। ये सब आप लोग पढ़े हुए हो, इसमें कुछ अलग से ऐसी कोई चीज नहीं जो आपने नहीं पढ़ी हो अभी तक। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक मेथड होता है जो इस बार आपको पढ़ना है, वो होता है नो सूनर को कन्वर्ट करना हार्डली में, एज सून एज में, या स्कार्सली में। और इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है, आपको हो सकता है हार्डली वाला सेंटेंस दिया हो, आपको नो सूनर में कन्वर्ट करना हो, आपको एज सून एज वाला दिया हो, आपको स्कार्सली में कन्वर्ट करना हो। सो आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, किसी भी फॉर्म का सेंटेंस दिया हो तो दूसरे में कैसे चेंज करना है। तो चलो एक सेंटेंस को देखते हैं। सो यहाँ पे है हार्डली हैड द स्टूडेंट बेल रंग, यहाँ पे एक अच्छा चीज मिसिंग है, राइट। यहाँ पे वेन होगा, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा मुझसे, यहाँ पे वेन आएगा। सो हार्डली वाला सेंटेंस है, हार्डली हैड द स्कूल बेल रंग वेन द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास। सो बेसिकली हार्डली एंड वेन का हम तभी यूज करते हैं जब हमारा टाइम बेस्ड सिचुएशन होता है, एक के बाद एक कोई सिचुएशन हो रही हो, मान लो एक काम हुआ उसके जस्ट बाद कोई दूसरा काम हो गया, उन केसेस में हम ये सारे फॉर्म्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, हार्डली हैड द स्कूल बेल रंग, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी होगी, जो बेल लगी होती है स्कूल में बजी होगी, वेन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, तभी बच्चों ने क्लास में एंटर किया, मतलब जैसे ही घंटी बजी स्कूल की वैसे ही बच्चों ने क्लास में एंटर कर लिया, तो ये इसका मतलब है। तो इसको हम और तरह से कैसे लिख सकते हैं, चेंज करके कैसे लिख सकते हैं देखना। अगर इसको हम नो सूनर में चेंज करें, तो नो सूनर में चेंज करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि नो सूनर लगाओगे उसके आगे फिर आप दैन का यूज करोगे। हार्डली के साथ वेन यूज होता है, ध्यान रखना, और नो सूनर के साथ दैन का यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस, देखो यहां लिख सकते हैं हम, नो सूनर डिड द स्कूल बेल रिंग, यहां पे आपको टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, हार्डली के साथ हम पास्ट यूज करते हैं,
और नो सूनर के साथ हम प्रेजेंट का यूज करेंगे। सो ये कुछ बातें हैं, इनका आप ध्यान रखना। सो यहाँ पे हो जाएगा नो सूनर डिड द स्कूल बेल रिंग दैन का यूज किया द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास। सो नो सूनर में हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। नो सूनर में पहली बात तो प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, साथ में दैन लगेगा। हार्डली का रूल क्या है, हार्डली के साथ में पास्ट में यूज करोगे यहाँ पे और आगे वेन लगेगा। सो हार्डली के साथ हमेशा वेन का यूज करेंगे, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। मान लो इसी सेंटेंस को अगर हम एज सून एज से करना चाहें तो क्या होगा। एज सून एज काफी सिंपल होता है, इसमें सिर्फ एज सून एज लगा दो स्टार्ट में। सो ये हो जाएगा एज सून एज द स्कूल बेल रंग कॉमा जरूर लगता है द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास। तो एज सून एज काफी सिंपल है। ज्यादातर कन्वर्जन हार्डली में और नो सूनर में आता है, ये दोनों काफी ज्यादा आते हैं आईसीएससी में। सो इस पे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मतलब आप पिछले साल के पेपर देखोगे उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट तरीका होता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आई होप आप सब लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी। सो क्या होती है ये, डायरेक्ट स्पीच में कोई पर्सन डायरेक्टली कह रहा होता है, हम उसके स्टेटमेंट को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे आई विल कम टुमारो राहुल सेट, मतलब राहुल ने कहा कि मैं कल आऊंगा। सो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में या थर्ड पर्सन में कैसे बोलेंगे, कोई और इंसान जब उसके बारे में कहेगा तो कैसे कहेगा, राहुल सेड दैट। पहली बात सेड के आगे दैट लग जाएगा और आई की जगह हो जाएगा ही, क्योंकि अब थर्ड पर्सन में बता रहे हैं। सो राहुल ने कहा था तो आई कहा था, कोई दूसरा जब उसके बारे में बताएगा तो कहेगा ही। और विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। यहाँ पे टुमारो है तो टुमारो को हम चेंज कर देते हैं नेक्स्ट डे में। सो ये कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पे, आई होप आप सब लोग को ये चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इससे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या फॉर्म्स दिए होते हैं वर्ड्स के और उसे हमें इनडायरेक्ट में किस तरह चेंज करना होता है। वही चीज अपोजिट भी हो सकती है, अगर इनडायरेक्ट वाली चीज दी है उसको डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करनी है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है और कुछ यहाँ पे वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मान लो कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे विल आपका चेंज हो जाता है वुड में, कैन, कुड में, माइट में एंड मस्ट, हैड टू में। इधर वाले डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है एंड ये वाला आपका इनडायरेक्ट में। वैसे वर्सा भी चीजें पॉसिबल हैं, अपोजिट वे में भी आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, आई चेंज हो जाता है ही या शी में, यू चेंज हो जाता है आई शी ही वी दे, जैसे भी आपको चेंज करना हो। प्लूरल में है तो वी और दे हो जाएगा। और सारे वर्ड्स का यहाँ पे देख लो मैंने चेंज दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ये कुछ नया नहीं है आप लोग के लिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा जो तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन का उसको देखते हैं। सो दैट इज चेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी छोटे क्लास में। दैट तीन तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव एंड एक होती है सुपरलेटिव। सो तीन टाइप्स की डिग्री होती है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। अगर हम बिग वर्ड को देखें तो बिग यहाँ पे बेसिकली कंपेरिजन है। सो यहाँ पे बिग है तो ये आपका पॉजिटिव नोट हो गया, नो अदर टाउन इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। ठीक है अगर इसी को हम कंपेरेटिव फॉर्म में लिखें, कंपेरेटिव होता है बिगर, बिग का बिगर हो जाता है फिर लास्ट में आता है बिगेस्ट। सो इसको हम बिगर यूज करके कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। ठीक है तो मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, मतलब वही है बस हमने बिग की जगह यहाँ बिगर का यूज कर लिया है। राइट अब इसको सुपरलेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिग बिगर बिगेस्ट, बिगेस्ट का यूज करके कैसे लिखेंगे, मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। तीनों सेंटेंसेस का मतलब वही है, तीनों का सेंस वही है, कहना वही चीज चाह रहे हैं, बस लिखने का तरीका बदल गया है। वहां बिग का यूज किया, यहाँ बिगर का यूज किया, यहाँ बिगेस्ट का यूज किया। सो इस तरह भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। एक और एग्जांपल है इसको भी देख लो। लाइक हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट कहा वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट, यहाँ पे ग्रेट का यूज किया एज अशोका। फिर उसके बाद कंपेरेटिव फॉर्म में ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, तो ग्रेटर कैसे लगाएंगे, हम कह सकते हैं अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ अदर किंग्स। सो इस तरह हम कंपेरेटिव फॉर्म बता सकते हैं। फिर सुपरलेटिव में ग्रेटर का हो जाएगा ग्रेटेस्ट, तो हम कह सकते हैं अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। सो इस तरह हम डिग्री ऑफ कंपेरिजन का भी यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद देखते हैं चलो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट एक और तरीका होता है एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। मतलब कोई पॉजिटिव बात कही जा रही है, कोई सिर्फ सिंपल बात कही जा रही है, आप उसको निगेटिव तरीके से कहो। सो ये भी एक तरीका होता है कहने का। देखो जैसे है अशोका वॉज द वाइजेस्ट किंग एवर रेंड इन इंडिया, मतलब अशोका सबसे वाइजेस्ट किंग था जो कि इंडिया में जिसने राज किया। फिर इसको हम निगेटिव तरीके से कैसे कह सकते हैं, मतलब वहां पे नो अदर लगा दो, नो बडी लगा दो, इस तरह का कुछ कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं नो अदर किंग
एज वाइज एज अशोका एवर रेन इन इंडिया। सो यहाँ पे हम नो अदर का यूज कर रहे हैं, मतलब इस सेंटेंस को निगेटिव तरीके से कह रहे हैं कि कोई और राजा था ही नहीं अशोका जितना वाइज जिसने इंडिया में राज किया हो। सो बात वही है, बस कहने का तरीका थोड़ा निगेटिव तरीके से हो जाता है। सो वही चीज है, फिर देख लो, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, मतलब जहां भी धुआं होगा वहां पे आग होगी होगी, तो ये एक पॉजिटिव तरीका हुआ कहने का। फिर इसी को ऑपोजिट तरीके से कैसे कहेंगे कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कि कोई भी आग बिना धुएं के नहीं होती, तो इसको कहने का ये निगेटिव तरीका हो गया। सो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं एक एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में, ये भी एक तरीका होता है। सो कभी कभी इस तरह भी आ जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज कर दिए हैं ताकि एग्जाम में अगर इन तरीकों से आए तो इसके आप यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ लेना किस तरह से इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, बिकॉज एग्जाम में देखो कोई कंफर्म नहीं है कि सिर्फ इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट यहाँ पे और भी तरह से आ सकते हैं वर्ड्स। कह सकता है बिगिन विद दिस, या फिर इस चीज का यूज करो सेंटेंस के बीच में, तो बहुत टाइप से आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ मैंने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले थे वो बता दिए हैं, बाकी फिर आप जितने ज्यादा सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलो अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट, और ये वाले मैंने एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस लिए हैं, बिकॉज आपका जो इस बार पेपर आने वाला है उसमें आपके एमसीक्यूज ही आने हैं। सो एमसीक्यूज में आसानी यही रहती है कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा वाला ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस आपका सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ये आपके सैंपल पेपर से ही मैंने उठाए हैं, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं अभी। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे रीड करते हैं इसको। द कैप्टन सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग। सो कैप्टन ने कहा इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, इसे हमें चेंज करना है द कैप्टन, मतलब बेसिकली हमें ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसे इनडायरेक्ट में चेंज करनी है। तो चलो भी ऑप्शन को पढ़ते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर वन हमारा है, द कैप्टन सेड दैट इट वॉज गिविंग हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। सो यहाँ पे गिविंग नहीं होगा, पहली बात तो ये गलत हो गया गिविंग, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं यूज हुआ था, गिव्स एक बार में यहाँ पे प्लेजर उसको मिला, सो यहाँ पे गिविंग नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द कैप्टन सेड दैट इट गिव्स, यहाँ पे आपका गिव्स हो गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट वाला फॉर्म भी हम नहीं यूज करते हैं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे वहां पे पास्ट फॉर्म यूज होता है, सो दैट इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद द कैप्टन सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, सो दिस इवनिंग ये गलत हो गया इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिस नहीं लगता कभी भी, ठीक है। फिर है द कैप्टन सेड दैट इट गेव, ये सही है, पास्ट में है, हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग। देखो जब आपका दिस इवनिंग होगा तो दिस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है दैट में, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे देख लो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। आई होप समझ में आया होगा किस तरह आपको वहां पे आंसर्स टिक करने हैं, और टिक क्या करने हैं, सही वाला नंबर लिख के आपको सही ऑप्शन आगे आंसर शीट में लिख देना है। चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अनलेस द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट, और इसे हमें बिगिन करना है, अनलेस वाला सेंटेंस है, इसको इफ से बिगिन करना है। सो पढ़ते हैं यहाँ पे, हमें बनाना तो है नहीं, सो यहाँ पे पढ़ते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पे है इफ द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट, अब ये तो उल्टा ही मतलब हो गया, मतलब अगर ट्रेन टाइम से आएगी तो हम कॉन्सर्ट मिस कर देंगे, तो ऑब्वियसली बकवास बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बी देखते हैं, इफ द ट्रेन डज नॉट अराइव ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट, ये ठीक है कि अगर ट्रेन टाइम से नहीं आएगी तो हम कॉन्सर्ट को मिस करेंगे, तो जहां तक मुझे यही लग रहा है सही। आगे देख लेते हैं, इफ द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम वी शैल मिस द कॉन्सर्ट, मतलब वही चीज, ट्रेन अगर टाइम से आ जाएगी तो हम कॉन्सर्ट को मिस कर देंगे। आई थिंक ये वाला ऑप्शन सेम हो गया है, यहाँ पे अराइव का फर्क है, बट ये भी गलत है कि अगर ट्रेन टाइम से आ जाएगी इसका मतलब ही चेंज हो गया ना, मीनिंग चेंज हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर है इफ द ट्रेन डज नॉट अराइव ऑन टाइम वी शैल नॉट मिस द कॉन्सर्ट, तो ये कुछ ज्यादा इन्होंने घुमा के कहा कि अगर ट्रेन टाइम से नहीं आएगी तो हम कॉन्सर्ट को मिस नहीं करेंगे, मतलब ट्रेन टाइम से नहीं आएगी तो हम कॉन्सर्ट को मिस नहीं करेंगे, तब तो मिस कर देंगे ना, तो ये भी मीनिंग चेंज हो गया। तो क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे ऑप्शंस में मीनिंग ही चेंज हुआ जा रहा है, कुछ और ही बात कही जा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। चल इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है थ्री, यहाँ पे है ही हैज अप्लाइड मेनी टाइम्स ही हैज नेवर बीन सिलेक्टेड, और इस सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना है इन स्पाइट से। सो इन स्पाइट से कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो पहली बात तो इन स्पाइट के साथ में हमें आईएनजी फॉर्म आगे लगाना होता है, चाहे इन स्पाइट ऑफ बीइंग लगाओ, इन स्पाइट ऑफ के आगे बीइंग हो सकता है या किसी वर्ड के आगे आईएनजी लगा के हम यूज कर सकते हैं। तो चलो भी यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन है हमारा इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग, सो इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स
ही हैड नेवर बीन सिलेक्टेड, अभी इस ऑप्शन को हम देखेंगे। फिर उसके बाद बी वाला इन स्पाइट अप्लाइंग, सो ये तो पहले ही गलत हो गया बिकॉज यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, ऑफ इज मिसिंग, तो ये पहले ही गलत हो गया हमारा ऑप्शन। फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग, यहाँ तक ठीक है, मेनी टाइम्स ही हैज नेवर बीन सिलेक्टेड, अभी इसको भी देखते हैं। और लास्ट वाला है इन स्पाइट नेवर, यहाँ पे भी गलत हो गया, ऑफ नहीं लगा यहाँ पे, सो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सो 50-50 हो गया है, दो ऑप्शन गलत हैं, दो सही हो सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स ही हैड नेवर बीन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे फर्क यही है कि यहाँ क्वेश्चन में हैज था और यहाँ पे हैड लगा दिया गया है, बस यही दिक्कत है इसके साथ। और यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में देखो इन स्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स ही हैज नेवर बीन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे ये चीज सही है, तो इसीलिए हम कहेंगे हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ही हैज नेवर बीन सिलेक्टेड, बाकी इंस्पाइट वाला पार्ट तो सही है, इंस्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स, इंस्पाइट ऑफ अप्लाइंग वर्ड के साथ आईएनजी लगा है देखो, सो इंस्पाइट ऑफ अप्लाइंग मेनी टाइम्स ही हैज नेवर बीन सिलेक्टेड, जो कि क्वेश्चन से ही मैच कर रहे हैं, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देख लो सी ऑप्शन इज करेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला, दैट इज फोर्थ। सो नेक्स्ट है वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स, मतलब बहुत ही कम मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि जेम्स के जितने ऑनेस्ट हैं। और इस सेंटेंस को हमें एंड करना है, ज्यादातर बिगिन करने के लिए कहते हैं, बट इस सेंटेंस को हमें एंड करना है मैनेजर्स वर्ड के साथ। सो कैसे एंड करेंगे इससे, देखते हैं ऑप्शंस को। सो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जेम्स इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर मैनेजर, तो ये थोड़ा सा गलत चीज बता रहे हैं, क्योंकि देखो वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स, इसका मतलब ये है कि जेम्स जैसे मान लो यहाँ पे है तो कुछ मैनेजर्स और होंगे जो जेम्स के जितने ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्टी की क्वालिटी हम देख रहे हैं, कुछ मैनेजर्स होंगे, तो इसको स्मॉल एम ले लेते हैं, कुछ मैनेजर्स होंगे जो जेम्स के जितने ऑनेस्ट हैं, अगर मैं यहाँ ऑनेस्टी की बात करें, थोड़ा यहाँ मैथ लगाते हैं इस पर, और मोस्टली जो मैनेजर्स हैं वो उतने ऑनेस्ट नहीं होंगे, जेम्स से नीचे लाई करते हैं ऑनेस्टी में, तो ये चीज है यहाँ जो हमारा सेंटेंस कह रहा है, तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहां पे इस बात को सही तरीके से कहा जा रहा हो। तो यहाँ पे जेम्स इज मोर ऑनेस्ट देन अदर मैनेजर्स, तो जेम अदर मैनेजर्स से ज्यादा ऑनेस्ट तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ मैनेजर्स के बराबर वो ऑनेस्ट है, सबसे ज्यादा वो ऑनेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद जेम्स इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर मैनेजर्स, तो जेम्स ज्यादा ऑनेस्ट है मोस्ट अदर मैनेजर्स से, तो ये सही लग रहा है मुझे, अभी इसको आगे देखते हैं फाइनली, और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फिर है जेम्स इज ऑनेस्ट देन मेनी अदर मैनेजर्स, तो ये वाला ऑप्शन जेम्स इज ऑनेस्ट देन मेनी अदर मैनेजर्स, ये भी अभी भी सही लग रहा है, इसको भी अभी देखते हैं। फिर है जेम्स इज मोस्ट ऑनेस्ट अमंग अदर मैनेजर्स, सो जेम्स सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, ये भी गलत है, क्योंकि जेम्स के बराबर और भी तो लोग ऑनेस्ट हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो अभी हम इन दोनों ऑप्शंस में चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ज्यादा सही है या फिर करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे है जेम्स इज मोर ऑनेस्ट, इस पे जरा फोकस करना, जेम्स इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर मैनेजर्स, तो ये ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। सी वाले ऑप्शन को देखो तो ये क्यों नहीं सही लगेगा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे है जेम्स इज ऑनेस्ट देन मेनी अदर मैनेजर्स, तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे था वेरी फ्यू मैनेजर्स आर एज ऑनेस्ट एज जेम्स, यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कर रहे थे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और सेकंड वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पे हम मोर ऑनेस्ट, यानी कि हम यहाँ पे जो बीच वाला कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं इस केस में, मोर ऑनेस्ट देन। अब यहाँ पे यहाँ ये क्या यूज किया गया, जेम इज ऑनेस्ट देन मेनी अदर, तो यहाँ पे ना तो मोर लगाया गया ना तो देन लगाया गया, तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हुआ जा रहा है, दैट इज वाई सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, राइट। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा बी वाला ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, सो इसको हम टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ वाला, यहाँ पे है एक्सेप्ट योर ऑफर, सो एक्सेप्ट योर ऑफर ये छोटा सा सेंटेंस है, इसे हमें बनाना है यूज करके एक्सेप्टेबल, सो एक्सेप्ट को चेंज करना है एक्सेप्टेबल वर्ड में, तो हमें काफी चीजें चेंज करनी होंगी। सो एक्सेप्ट योर ऑफर मतलब कोई कह रहा है कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, तो उसी का एक टुकड़ा यहां लिख दिया गया है, एक्सेप्ट योर ऑफर मतलब किसी ने दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो कैसे इसको एक्सेप्टेबल बनाए, तो ऐसे समझो कि यहां आई भी है, आई एक्सेप्ट
योर ऑफर, तो कैसे इसको बदलेंगे? थर्ड पर्सन में इसको बोलेंगे एक्सेप्टेबल यूज करने के लिए, योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू मी, फिर है योर ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू मी, फिर है योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल एंड योर एक्सेप्टेबल ऑफर केम टू मी। तो ये तो मतलब ही चेंज हो गया कि तुम्हारा एक्सेप्टेबल ऑफर मेरे पास आया, क्योंकि मेरे पास आने की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। सी देखते हैं, योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल, तो टू मी यहाँ नहीं लगाए तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में देखो, योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू मी, ये हो सकता है योर ऑफर वॉज एक्सेप्टेबल टू मी, तो यहाँ पे वॉज एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये तुम्हारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। एक्सेप्ट योर ऑफर मतलब प्रेजेंट में ही तो कोई बोलेगा कि मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया, राइट? तो यहाँ पे योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल टू मी ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वॉज लगा है इसलिए पास्ट में हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, यही वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा हमारा। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। सो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, बिकॉज आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इससे आप लोग की भी हेल्प होगी, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे और हेल्पफुल वीडियो बनाता रहूंगा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी सिक्स्थ। तो यहाँ पे है, एज सून एज ही फिनिशेस हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग, तो जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है वो खेलना शुरू कर देता है। तो एज सून एज का यूज किया गया है और उसके बाद कॉमा लगा के आगे का पार्ट। तो यहाँ पे वही टाइम बेस्ड वाला यहाँ पे काम है। देखो मैंने कहा था ना एग्जाम में काफी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस पे आ गया। फिर इसको हमें चेंज करना है हार्डली में, तो एज सून एज को हार्डली में चेंज करना है। याद रखना हार्डली के साथ वेन लगता है, तो हार्डली वाले सेंटेंस में वेन होना चाहिए। बस इसी चीज से तुम पकड़ लोगे कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इसको देखो, हार्डली हिज वर्क फिनिश्ड ही स्टार्ट्स प्लेइंग, गलत। हार्डली ही फिनिशेज हिज वर्क ही स्टार्ट्स प्लेइंग, ये भी गलत। हार्डली ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क एंड तो लग ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हार्डली डज ही फिनिश हिज वर्क, उसके बाद वेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग, तो ये वाला ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। हार्डली के साथ हमेशा हम वेन का यूज करते हैं। Hardly does he finish या hardly did, जैसे भी आप करो, hardly does he finish his work when जरूरी है, when he starts playing, तो इसलिए D वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। चल इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा है सेवन, My father gave me a pen, मेरे पापा ने मुझे एक पेन दिया। तो इसे हमें स्टार्ट करना है पेन से। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लास्ट वाली चीज को सब्जेक्ट बना देना है, मतलब पेन को स्टार्टिंग में ले आना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़ा यहाँ पे चेंज करना है। तो कैसे होगा देखते हैं, ऑप्शंस हमें गिवन है। अ पेन हैड बीन गिवन टू मी बाय माई फादर, हो सकता है सही हो, अभी देखते हैं आगे। फिर है, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर, ये भी सही लग रहा है। माई फादर वॉज गेव मी अ पेन, अब ये तो जितना अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब ही अलग है, तो इसमें गलत तरीके से ही लैंग्वेज लिखी गई है। फिर इसके बाद अ पेन वॉज गिवन बाय मी टू माई फादर, तो ये भी एकदम मीनिंग ही चेंज हो गया है यहाँ पे, तो इसलिए ये एकदम गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में थोड़ा ध्यान दे के समझते हैं कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पे इसको रीड करो जरा ध्यान से, अ पेन हैड बीन गिवन टू मी बाय माई फादर। अब हैड बीन जो होता है ये तुम्हारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने आपको टेंसेज में बताया था ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी में हैड बीन लगता है। और यहां पे वॉज है, ये तुम्हारा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज यहां पे करना है। क्यों? देखो जब तुम्हारे पापा ने तुमको पेन दिया तो वो एक ही बार में दिया होगा ना पास्ट में, ऐसा तो नहीं है कि वो पेन दे दिए और दे के ऐसे पकड़े हुए दे ही जा रहे हैं पेन तुम्हें, तो ऐसे नहीं है। इसीलिए कंटिन्यूअस वाला फॉर्म हम नहीं यूज करेंगे। पेन कोई ऐसी चीज नहीं कि वो तुमको डेली पेन ही दिए जा रहे हैं ऐसे पकड़ के, बेटा पेन लो फिर पेन लो फिर पेन लो, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे अ पेन वॉज गिवन, एक ही बार में उन्होंने पेन लिया और तुम्हें दे दिया पास्ट में। सो अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर, ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट वाला ऑप्शन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन की यहाँ पे, कि ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, राइट? चलो अभी देखते हैं लास्ट पार्ट इस वाली एक्सरसाइज का, अभी आगे भी और क्वेश्चन है। सो इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट हमारा पार्ट एट यहाँ पे है, आई हैव नेवर सीन मिस्टर जो लूज हिज टेम्पर, मैंने कभी मिस्टर जो को उन्हें गुस्सा करते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें नेवर से स्टार्ट करना है। तो नेवर के साथ जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो नेवर के साथ हमेशा have I लगाते हैं, never have I या never have they, जैसे भी हो तो never have जरूर लगता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे never I have तो ये थोड़ा गलत हो गया, never did I see तो never did भी इस तरह हम नहीं यूज करते हैं जनरली, never have I ये हो सकता है, और उसके बाद never ever
नेवर एवर, ये थोड़ा चाइल्डिश लैंग्वेज है, नेवर हैव आई सीन मिस्टर जो लूजिंग हिज टेम्पर। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिकॉज नेवर हैव आई करेक्ट फॉर्म है इसका। सो यहाँ पे नेवर हैव आई सीन मिस्टर जो लूजिंग हिज टेम्पर, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। अब मैंने कहा था ना कि कोई फिक्स तरीके नहीं होते ट्रांसफॉर्म करने के, ऐसा नहीं है चार पांच गिने चुने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर सारे तुम याद करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने का प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा सेंटेंस तुम लगाओगे उतना तुम्हारा नॉलेज बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपका ये वाला केस आ गया नेवर वाला, तो नेवर का एक तरीका मैंने बता दिया, नेवर हैव आई इस तरह का जब कुछ दिया होगा तो वो वाला आपका सही होगा। चलो पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अगर आपने सारे सही किए हैं तो आपके 8 में 8 मार्क्स आ गए होंगे। सो इसके बाद अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो क्या आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हो? सो अगर रेडी हो तो उस लाल बटन को जरूर से दबा देना, नीचे दिया होगा सब्सक्राइब बटन इधर कहीं पे, और बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ये, यहाँ पे अच्छा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन मेरे पास नहीं था बिकॉज अभी पहली बार आपके एमसीक्यूज आए हैं, मैंने बहुत कोशिश की, बट यहाँ पे ये मैं लास्ट ईयर के पेपर से क्वेश्चन ले रहा हूँ एंड इसको हम बना के देखते हैं। देखो अगर इनको हम बना लेंगे तो हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे, थोड़ा एमसीक्यूज का शॉर्टेज था मेरे पास, अदरवाइज मैं ये भी एमसीक्यू फॉर्म में ही बताता हूँ। चलो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे है द लाइब्रेरियन ऑर्डर्स बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी एवरी ईयर, मतलब स्कूल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन हर साल बुक ऑर्डर करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सेंटेंस को बुक से स्टार्ट करना है। तो मतलब क्या है कि जो बाद वाली चीज है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है इस सेंटेंस का। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन, देखो बुक को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, बुक्स आर ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन कॉमा फॉर द स्कूल लाइब्रेरी एवरी ईयर, कॉमा कॉमा करके यहाँ पे हमने एक साथ इस सेंटेंस को इस तरह लिख दिया। सो हम इस तरह देखो इस सेंटेंस को बना सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन 2। सो यहाँ पे है नो वन विल डिनाई दैट द चिल्ड्रन हैव वर्क वेरी हार्ड दिस ईयर, मतलब कोई डिनाई नहीं करेगा कि बच्चों ने इस बार काफी ज्यादा मेहनत करी या हार्ड वर्क किया है। सो यहाँ पे हमें करना है बिगिन एवरी वन, सो मतलब एक निगेटिव सेंटेंस को हमें एफर्मेटिव में चेंज करना है, निगेटिव एफर्मेटिव वाला केस है ये। सो यहाँ पे एवरी वन से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा नो वन को चेंज करेंगे एवरी वन में, इस तरह एवरी वन विल, नो वन विल डिनाई था तो हमें डिनाई को बदलना पड़ेगा। सो डिनाई वर्ड का यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, एक्सेप्ट या फिर एग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी वन विल एग्री, यहाँ बस चेंज करेंगे बाकी सारा सेम हो जाएगा, दैट द चिल्ड्रन हैव वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर। सो नो वन विल डिनाई था यहाँ पे, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए एवरी वन विल एक्सेप्ट या एग्री वन विल एग्री, इस तरह लिख देंगे इसको। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। सो पार्ट नंबर 3 है एज सून एज, देखो एग्जामिनर्स का पेट क्वेश्चन होता है ये, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं एज सून एज और हार्डली वाले पे। सो एज सून एज द टीचर एंटर्स शी इज ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें इसे नो सूनर से स्टार्ट करना है, तो नो सूनर वाले में आगे जाके दैन लगता है, ठीक है, तो नो सूनर दैन ये याद रखना। तो यहाँ पे नो सूनर वाला सेंटेंस है तो कैसे होगा देखते हैं, एज सून एज द टीचर एंटर्स शी इज ग्रीटेड बाय हर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे No sooner does the teacher enter than, than देखो लगा है, than she is greeted by her students, तो वही चीज है, बस इस बात का ध्यान रखना, no sooner does the teacher enter, यहां पे present में आपका लगेगा enter, और उसके बाद than she is greeted by her student, than यहां पे important है, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख लोगे तो आप ही बना लोगे। सो इस बार वैसे बनाने तो है नहीं इन sentences को, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि सही वाला option कौन सा है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी। चल इसके बाद देखते हैं अगला। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, शी इज सो बिजी दैट शी फाइंड्स नो टाइम टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स, मतलब वो इतना बिजी है, यहाँ पे सो वाला केस है, शी इज सो बिजी, तो इसे हमें चेंज करना है री राइट यूजिंग टू, तो ये वाला मैंने बताया था। सो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ पे ये हो जाएगा शी इज टू बिजी, पहले तो लगेगा सो की जगह टू लगा दोगे तो ये हो जाएगा शी इज टू बिजी टू फाइंड नो टाइम टू फाइंड टाइम टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स, नो हटा देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा सिंपल, देखो शी इज टू बिजी टू फाइंड टाइम, नो हटा देंगे, निगेटिव चीज यहाँ से हट जाती है, सो में हमेशा निगेशन में लगती हैं चीजें, नो लग जाता है, और जब टू बताते हैं शी इज टू प्राउड टू अपोलोजाइज जैसे था एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा शी इज टू बिजी टू फाइंड टाइम टू एंटरटेन हर फ्रेंड्स, यहाँ कहीं कहीं भी नो नहीं लगा है देखो, तो इससे ही हमें मतलब समझ में आ रहा है शी इज टू बिजी, वो बहुत ज्यादा ही बिजी है कि वो अपने दोस्तों को एंटरटेन करने के लिए टाइम निकाल सके, तो मतलब वही है, तो यहाँ हमने टू और टू में चेंज कर दिया देखो सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे इंस्पाइट और डिस्पाइट वाला केस है, तो ये भी एक नया है, इसको ध्यान देना।
यहाँ पे है इन स्पाइट ऑफ द वेरी हॉट वेदर, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा गर्म वेदर होने के बावजूद केविन स्टेप्ड आउट टू बाय सम ब्रेड, केविन फिर भी बाहर गया ब्रेड खरीदने के लिए। सो यहाँ पे हमें डिस्पाइट से स्टार्ट करना है वर्ड को। सो डिस्पाइट बेसिकली इंस्पाइट का एक निगेटिव फॉर्म है बट इसी तरह से यूज होता है, तो जहां पे इंस्पाइट है वहां डिस्पाइट लगा देंगे एंड ये सेम इसी तरह बन जाएगा। डिस्पाइट इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, बस इतना ध्यान रखना। इंस्पाइट के साथ आगे ऑफ जरूर लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पाइट दी वेरी हॉट वेदर केविन स्टेप्ड आउट टू बाय सम ब्रेड, ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। इसी तरह एक और तरह से लिख सकते हैं डिस्पाइट द वेदर बींग वेरी हॉट, ऐसे भी लिख सकते हो डिस्पाइट द वेदर बींग वेरी हॉट, अलग तरीका है थोड़ा लिखने का, कॉमा केविन स्टेप्ड आउट टू बाय सम ब्रेड, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एक और तरीका होता है डिस्पाइट को लिखने का, डिस्पाइट द फैक्ट, ये हम थोड़ा और बढ़ा के लिख रहे हैं, सो कई बच्चे थोड़ा एक्सपैंड करके भी लिख देते हैं, तो उसके लिए है डिस्पाइट द फैक्ट That the weather was very hot, Kevin stepped out to buy some bread. But मेरे हिसाब से first वाला option सबसे सही है, इसको यहाँ पे टिक लगा के आगे हम बढ़ जाएंगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। So next अभी देखते हैं। So next हमारा है question 6। तो यहाँ पे है Sheila will be selected for the competition only if she goes for the auditions. So Sheila तभी select होगी competition में जब वो auditions देने जाएगी। So यहाँ पे unless से हमें start करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब तक Sheila auditions के लिए नहीं जाएगी वो कंपटीशन में सिलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, देख लो, अनलेस शीला गोज फॉर द ऑडिशंस शी विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, सिंपल है, बस अनलेस का यूज इस तरह हम कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखो सेवेंथ, आई वुड रादर ईट फ्रूट दैन अ लॉट ऑफ अनहेल्दी जंक फूड। सो यहाँ पे हमें इसे स्टार्ट करना है आई प्रिफर से, मतलब कोई चीज है आई वुड रादर ईट फ्रूट, तो आई प्रिफर ईटिंग फ्रूट, ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लो, आई प्रिफर ईटिंग, प्रिफर के साथ ईटिंग आईएनजी फॉर्म लगाओगे, आई प्रिफर ईटिंग फ्रूट टू अ लॉट ऑफ अनहेल्दी जंक फूड, प्रिफर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म का वर्ड यूज होगा, राइट? तो इस तरह हम इसको यूज कर लेंगे। अब ये कुछ अलग तरीके हैं, यहाँ पे कुछ हम एक्टिव पैसिव वाला या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला फॉर्म नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप ढेर सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे। सो काफी सारे सेंटेंस मैंने अपनी वेबसाइट पे या फिर ऐप पे दे रखे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के फ्री कोर्स को एनरोल करो एंड वहां पे जाके और भी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग के ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस पक्के हो पाए, ठीक है? तो जितने ज्यादा सेंटेंस आप करोगे उतने ज्यादा और नए तरीके आप सीखोगे, बाकी जितने कर लो उतने कम है। एटलीस्ट 50-100 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर डालो, किसी भी बुक से आपको मिल जाए, लास्ट ईयर के पेपर्स देख डालो, उसी से आपका काम हो जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट है एक्सरसाइज 2 का, द ट्री वॉज कट डाउन रूथलेसली, मतलब बहुत बेरहमी से पेड़ काट दिए गए। इस वाले सेंटेंस को हमें स्टार्ट करना है दे से, सो यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन में इसको लिखना है, सो ये क्या हो जाएगा, दे कट डाउन द ट्रीज रूथलेसली। सो दे कट डाउन द ट्री, और यहाँ पे ट्री है, अच्छा ट्रीज नहीं था, ट्री होगा, दे कट डाउन द ट्री रूथलेसली, एक पेड़ की बात हो रही है, या फिर इसको बदल के कैसे लिख सकते हैं, दे रूथलेसली कट डाउन द ट्रीज, जैसे भी आप लिखो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो ये हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में भी 8 क्वेश्चंस हैं, बेसिकली एग्जाम में आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सेंटेंस 1 मार्क्स का होगा, और ये वाला क्वेश्चन आपके ग्रामर में सबसे ज्यादा मार्क्स यानी कि 8 मार्क्स कैरी करता है। सो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक होमवर्क शीट तैयार की है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एंड इसको भी आप लोग अच्छे से ट्राई करना, बिकॉज जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो ऑनेस्टी के साथ ट्राई करना, मैं वीडियो के लास्ट में इसके आंसर्स आप लोगों को बताऊंगा, बट वहां से आप लोग आंसर्स पहले मत देखना, पहले स्क्रीनशॉट लेके इन सारे के आंसर्स ट्राई कर लो, पहले लिख लो कॉपी पे, फिर वहां से आप लोग मैच करना, अपने लिए ऑनेस्ट रहोगे तो कल के लिए एग्जाम के लिए आप लोग के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोग और क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट amplifylearning.in को विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाके वहां सर्च कर लेना एम्पलीफाई लर्निंग ऐप, और उसके अंदर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे फ्री कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ग्रामर की सॉल्व एक्सरसाइजेस बहुत सारी मिल जाएंगी, जिन्हें आप अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो, जो कि आपके कल के एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगी, राइट? सो आप सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट कल के पेपर के लिए। सो अच्छे से तैयारी करो एंड कल का पेपर सभी लोग फोड़ के आना, एंड कल आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा आप लोग की और हेल्प करने की। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे और हेल्पफुल कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। सो इसी के साथ चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।